आपका क्वेश्चन है, वी टेक अ ग्लास टम्बलर एंड प्लेस अ थिक कार्ड स्क्वायर कार्ड ऑन इट्स माउथ। अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन दिस कार्ड इन द मिडिल। लेट अस फ्लिक द कार्ड हार्ड विथ अवर फिंगर्स। ऑन फ्लिकरिंग द कार्ड मूव्स अवे एंड द कॉइन ड्रॉप्स इन टम्बलर। ठीक है, नाउ तो दिस इज द पिक्चर। तो नाउ क्वेश्चंस आर दैट, क्या है देखो, गिव रीजन ऑन अबव ऑब्जर्वेशन। तो ये इसने पूछा है कि इसका करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या रीजन है इसका। फर्स्ट तो वी कैन से, देखो क्या क्या दिया है, द कॉइन पॉसेसेस इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट रेसिस्ट द चेंज। फर्स्ट, द कॉइन पॉसेसेस इनर्शिया ऑफ मोशन, इट रेसिस्ट द चेंज। द कॉइन पॉसेसेस इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट एक्सेप्ट द चेंज। द कॉइन पॉसेसेस इनर्शिया ऑफ मोशन, इट एक्सेप्ट द चेंज। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो क्या है आपका, कार्डबोर्ड को जब आपने फ्लिप किया तो उस समय क्या हुआ, कार्डबोर्ड मूव कर गया, बट द कॉइन इज एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, दैट मीन्स उसने क्या किया, उसको रेसिस्ट किया, है ना, उसको रेसिस्ट किया। किसको रेसिस्ट किया, मोशन को। तो दैट मीन्स आवर ऑप्शन इज फर्स्ट। तो दैट मीन द कॉइन पॉसेस इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट रेसिस्ट द चेंज। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड, नेम द लॉ इन्वॉल्व इन दिस केस। तो इसके अंदर आपका कौन सा लॉ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमको पता है, क्या पता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में इनर्शिया विल कम। न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या आता है, मोमेंटम, मूविंग बॉडी। एंड थर्ड लॉ में इक्वल एंड अपोजिट। तो हमारा ये किस में हो रहा है आपका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर आपका इनर्शिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ द कॉइन इज रिप्लेस्ड विथ ₹5 हैवी कॉइन्स देन, तब क्या होगा। अगर आपने कॉइन, हैवी कॉइन उसके ऊपर रखा है तब क्या होगा। तो मैंने आपने वीडियो में बताया था आपको, क्या बताया था, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगा। तो क्या होगा, ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस में देखो क्या है, हैवी कॉइन पॉसेस मोर इनर्शिया सो इट विल नॉट फॉल इन टम्बलर। सेकेंड, हैवी कॉइन पॉसेस लेस इनर्शिया सो इट फॉल्स इन टम्बलर। सी इज हैवी कॉइन पॉसेस मोर इनर्शिया सो इट विल फॉल इन टम्बलर। तो यस इट्स ट्रू, है ना, ये हमारा ट्रू है। तो जितना ज्यादा इनर्शिया होगा वो उतना मूव नहीं करेगा। आप कार्डबोर्ड को हिल जाइए, किसको भी चलाइए। नेक्स्ट, तो नेम द लॉ विच प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किसके अंदर है, जब कभी काम होता है, वर्क होता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट कब मोशन पे होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ में। तो ये देखो क्या दिया है इसने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो। न्यूटन्स थर्ड लॉ, नो। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज इनर्शिया एंड लास्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ इज अवर फोर्स, जहां पर हमने डिराइव किया था अपने वीडियो में। तो दैट इज योर डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमारा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा एंड विच इज मूविंग वो हमारा मूव करेगा। दैट इज फर्स्ट लॉ, है ना, जिसके अंदर इनर्शिया है। तो देखो आपको क्या दिया है, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नो। अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, और इफ इट इज मोशन रिमेन्स इन मोशन। यस, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट।
तो सी में देखो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी थर्ड लॉ हो गया द एक्सेलरेशन। तो ये आपका एक्सेलरेशन वाला है, तो एक्सेलरेशन यानी आपका सेकंड लॉ, तो रेस्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है।